साथियों नमस्कार, मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कूलिंग सिस्टम के बारे में कि कूलिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका क्या बेनिफिट है। आज के वीडियो में हम बताएंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है और इसका फ्यूल सप्लाई सिस्टम का गाड़ी के लिए क्या बेनिफिट रहता है। तो आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। साथियों, ये जो है, जो मैंने आपको कूलिंग सिस्टम और ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम बताया है, ये 12th क्लास का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये बड़े ध्यान से देखना चाहिए। अब इसलिए साथियों, जिस प्रकार जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, आदमी का जो शरीर होता है, वो उसको चलाने के लिए जैसे खाने की जरूरत पड़ती है, दूध की जरूरत पड़ती है, फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है और इन चीज़ों को जब हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है, जिससे हमारी बॉडी चलती है, काम करती है, हम बड़े मतलब उमंग भरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब फ्यूल के कारण होता है, यानी क्योंकि हमारे शरीर, हमारे इंजन को भी फ्यूल चाहिए जो कि हम खाने के रूप में और तरह तरह की चीज़ों के रूप में शरीर में यूज करते हैं। उसी तरह से जो हमारी कार होती है उसको भी फ्यूल की ज़रूरत होती है, और फ्यूल में उसमें क्या होता है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, ये सारी चीज़ें हम उसमें यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ें यूज करते हैं फ्यूल की, इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है कि फ्यूल का जो टैंक है वहाँ से लेके और कंबसन चैम्बर तक पूरा फ्यूल कैसे कैसे जाता है और कैसे यूज होता है, उस चीज़ को, उस पूरी सप्लाई को हम बोलते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो अब इसके आगे मैं बताता हूँ कि जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो, ये भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे मान लो हम टू व्हीलर के फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इसमें होता है ग्रेविटी फ्यूल सप्लाई सिस्टम, यानी अगर हम टू व्हीलर के बारे में बात करते हैं, जैसे स्कूटर है, बाइक है, स्कूटी है, तो इनके बारे में जब बात करते हैं तो इसमें होता है हमारा ग्रेविटी फ्यूल सप्लाई सिस्टम। अब ग्रेविटी फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, यानी जब हम जो फ्यूल है उसको ग्रेविटी से यूज करते हैं, यानी इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो गाड़ी का जो टैंक है, जो फ्यूल टैंक है, हम उसको हाइट पर रखते हैं और उसके बाद हम फिल्टर लगाते हैं। जो हमारी फ्यूल लाइन होती है उसी लाइन पे हम एक फिल्टर लगाते हैं, फ्यूल फिल्टर, जिसे हम फ्यूल फिल्टर कहते हैं। तो फ्यूल फिल्टर भी बहुत का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे जो पेट्रोल है या डीजल है उसमें भी जो भी इम्प्योरिटीज आती हैं वो फ्यूल फिल्टर इस तरह का बना होता है कि जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं उनको वो फिल्टर आगे जाने नहीं देता, वहीं पर रोक देता है, कार्बोरेटर में जाने से पहले ही रोक देता है। और इसके बाद वो फ्यूल कार्बोरेटर में जाता है, कार्बोरेटर में एयर और पेट्रोल दोनों चीज आती हैं, तो जो जहाँ से एयर आती है वहाँ पे एयर फिल्टर लगा रहता है, तो हवा भी छन के आती है, मतलब साफ होके आती है एयर फिल्टर से। और उससे फायदा ये रहता है कि वो इंजन के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं कर पाती, क्योंकि वो फिल्टर्ड एयर होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह बिल्कुल नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ से फ्यूल आ रहा है, फ्यूल लाइन से फ्यूल आ रहा है, तो कार्बोरेटर के अंदर दोनों चीज आके मिक्स हो जाती है, एयर प्लस पेट्रोल, और वो दोनों चीज मिलने के बाद उसमें इंजन के अंदर जो हमारा पिस्टन चल रहा है, कंबसन चैम्बर है, उसके अंदर आके कंबसन होता है और उससे एनर्जी बनती है। तो इस तरह से जो है ये पूरा साइकिल, यानी फ्यूल टैंक से चला फ्यूल, उसके बाद फ्यूल लाइन से जाके फ्यूल फिल्टर में गया, फिर फ्यूल फिल्टर से कार्बोरेटर में गया और कार्बोरेटर से इंजन के कंबसन चैम्बर में गया। तो इस पूरी साइकिल को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम, यानी ग्रेविटी
फ्यूल सप्लाई सिस्टम। और ये जो है ग्रेविटी फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो यानी यूज होता है टू व्हीलर्स के अंदर। साथियों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि टू व्हीलर में क्या होता है, जो हमारी स्कूटी होती है, स्कूटर होता है, बाइक होती है, इनमें पेट्रोल की टंकी होती है, एक उसमें रिजर्व का वाल्व भी लगा होता है। कार में हमारे में ऐसा नहीं होता कि अगर रिजर्व के वाल्व को ओपन करेंगे गाड़ी एक समय ऐसा आएगा जब गाड़ी रुक जाएगी। तो जब यह टू व्हीलर के केस में होता है कि कुछ सर्टेन लिमिट के बाद यानी आपकी गाड़ी रिजर्व में लग जाती है तो आपको ऑन करना होता है फिर दोबारा। तो ये जो इससे ये आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप रिजर्व में तो लगा लो लेकिन जब भी कोई नियरेस्ट पेट्रोल पंप आए आप उसमें पेट्रोल जाके भरवा लो, इसका ये बेनिफिट रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि पंप फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। जो पंप फ्यूल सप्लाई सिस्टम है ये सिस्टम जो है फोर व्हीलर में यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ग्रेविटी फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कि जो फ्यूल की टंकी है उसको हाइट ज्यादा से ज्यादा हाइट पर रखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम टैंक फ्यूल टैंक को कहीं पर भी बना सकते हैं, गाड़ी के नीचे वाले पोर्शन में भी रख सकते हैं, गाड़ी के बराबर के लेवल पर भी रख सकते हैं और इसमें कोई ग्रेविटी की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूल टैंक होता है फ्यूल टैंक से पाइप द्वारा जैसे ही फ्यूल आगे चलता है उसमें फिल्टर लगा होता है, फ्यूल फिल्टर, और इस फ्यूल फिल्टर से थोड़ा आगे चलने पे पंप लगा रहता है जो कि हम फ्यूल पंप कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक होता है, जब जरूरत पड़ती है उसकी तभी वो उसको आगे सप्लाई कर देता है पेट्रोल को, जो भी फ्यूल है पेट्रोल या डीजल। अभी मैं पेट्रोल के बारे में बता रहा हूं तो मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं कि वो पेट्रोल को आगे भेजता है और आगे जाने पे फोर्स के द्वारा वो पेट्रोल कार्बोरेटर के अंदर जाता है और दूसरी साइड में क्या होता है एयर आती है, एयर के लिए वो एयर क्लीनर जो होता है एयर फिल्टर लगा होता है उसमें पूरी एयर फ्रेश एयर आती है। वो ऐसे मतलब होता है जैसे कि आप इंसान को हवा चाहिए सांस लेने के लिए साफ शुद्ध, वैसे ही इंजन को भी हवा चाहिए जिसमें डस्ट वगैरह ना हो, जो इंजन के पार्ट्स को किसी तरह से इफेक्ट न कर दे, क्योंकि अंदर चली जाएगी अगर गंदी हवा तो वो क्या करेगी पार्ट्स को खराब कर देगी, जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए अब वो कार्बोरेटर में जाके कार्बोरेटर में एयर और पेट्रोल दोनों का मिक्सचर होता है और फिर वो उसमें कंबस्शन चैम्बर के अंदर जाती है और वहां पर इनर्जी बनाती है, ऊर्जा बनाती है, तो पावर जिससे होती है यानी, क्योंकि हमारे जो है इंजन के चार स्ट्रोक होते हैं। पहले स्ट्रोक होता है सक्शन, जब वो पेट्रोल को खींच रहा है दैट इज कॉल्ड सक्शन। उसके बाद होता है कंप्रेशन, यानी अब जो है उसको कंप्रेस करता है, और उसके बाद नेक्स्ट होता है पावर स्ट्रोक जिसमें पावर जनरेट होती है उसके अंदर, जिसमें एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो बर्न्ड हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट चौथा आता है एग्जॉस्ट, तो जो गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट होकर बाहर निकल जाती हैं, धुएं के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से ये जो साइकिल है तो इस तरह से फोर व्हीलर में कंप्लीट होती है। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया टू व्हीलर में फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है, फोर व्हीलर में सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में समझ जरूर आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और साथियों एक चीज मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सुझाव सजेशन बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि आगे बनाने वाली वीडियो में मैं उन आपके सुझाव का ध्यान रखते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।